राजधानी लखनऊ में फैला डायरिया का प्रकोप, जिसमें से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हुए बीमार। कुछ लोगों को कराया गया सरकारी अस्पताल में भर्ती। इशरत बेग की लापरवाही के चलते नगर पंचायत में फैला हुआ है डायरिया का प्रकोप। लखनऊ से देखिए राजू तिवारी की खास रिपोर्ट। सर, मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर इस समय हम लोग इटौंजा के नगर पंचायत महोना में खड़े हुए हैं, जहां पर महोना में डायरिया ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा है। इससे पहले 3 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। इस समय हम लोग वार्ड नंबर 9 में खड़े हुए, जहां पर एक घर के सामने कूड़े का इस प्रकार से अंबार लगा हुआ है। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष इसमें किसी प्रकार का रोल नहीं निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं चेयरमैन या नगर पंचायत इसमें सम्मिलित माना जा रहा है। 3 मौतों का कारण कहीं ना कहीं नगर पंचायत है। इस समय हमारे साथ ग्रामीण के यहीं के कुछ ग्रामीण खड़े हैं, जो हमें आगे की जानकारी देंगे। भाईजान, क्या नाम है आपका? समी महमूद। समी जी, ये बताइए कितने दिनों से यहाँ पर कूड़ा करकट जो लगा हुआ है? ये यहाँ रहता ही है। अच्छा, यहीं पर डंप किया जाता है? यहीं डंप किया जाता है, जो आते हैं फेंकते हैं और ये इसी हालत में रहता है। सफाई कर्मी कितनी बार आते हैं? सफाई कर्मी आते हैं, झाड़ते हैं, उनसे कहो तो कहते हैं भैया आज कर्मचारी की कमी है नहीं, इसके लिए परेशानी है, तो आते हैं बीच बीच में आके सारे झाड़ू कर दे जाते हैं। ये ऐसे ही रहता है। अच्छा, इस गंदगी से कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत भी होगी? हाँ, दिक्कत तो होगी भाई, गंदगी ये दिक्कत है। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं लोग आके देख रहे हैं सामने, बड़ी गंदगी है, दिक्कत तो है। आपका क्या नाम है? जी इलियास अहमद। जी ये बताइए, यहाँ पर जो गंदगी लगी हुई है, इससे आप लोगों को रहती है? ज़्यादातर गंदगी रहती है, हफ्ते में 1-2 बार जो है वो सफाई कर्मी आते हैं और साफ करते हैं, उसके बाद फिर गंदगी रहती है। सर, इसकी शिकायत आप लोगों ने किया है? शिकायत क्या, नगर पंचायत महोना के जो अध्यक्ष जी हैं उनको मालूम है, जब वो खुद कर्मचारी भेजते हैं तो उनको पता ही है कि हम हफ्ते में कितने दिन भेजते हैं। तो क्या वो जान करके नहीं यहाँ पर सफाई करवा रहे हैं? वो तो उनको वो खुद ही जान सकते हैं कि उनकी क्या मंशा है या क्या है। कुछ पानी में भी गड़बड़ है? पानी जो यहाँ के ज़्यादातर नल है आप देखेंगे, उसमें जो है वो अजीब सा पानी में महक आती गंदगी, और प्लस जो है पानी जो है कत्थाई टाइप का, किसी में पीला टाइप का, किसी में अजीब अजीब तरह का पानी है। सारे के सारे नल करीब करीब ख़राब है, सब नलों का पानी ख़राब है। तो यह है नगर पंचायत अध्यक्ष की सच्चाई। कैमरामैन, अपने कैमरामैन के साथ राजू तिवारी, स्वतंत्र प्रभात लखनऊ। जी ये बताइए, आपकी तबीयत कुछ ख़राब हुई थी? जी, डायरिया हो गई थी। डायरिया कहाँ पर भर्ती हुई थी? डॉक्टरों ने वहाँ पर क्या बताया था? डायरिया। कितने दिन आप भर्ती रही हैं? 4 दिन। अच्छा, तब से जब से बीमार हुई हैं उसके बाद में कुछ साफ़ सफाई यहाँ पर जारी है या वैसे ही अभी भी? वैसे ही है। अच्छा, कोई सुन नहीं रहा है?